हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिफॉर्मिटी के बारे में। आखिर डिफॉर्मिटीज़ हैं क्या? तो डिफॉर्मिटी को सिंपल शब्दों में कहें तो ये कहलाएगी द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि द परमानेंट फ्रैक्चर ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि विकृति जो कि डिफॉर्मिटी कहलाती है। विकृति एक ऐसी स्थायी स्थिति है, यानी कि परमानेंट स्थिति है, जिसमें अस्थि तथा जोड़, यानी कि अस्थि का मतलब यहाँ पर हड्डी और जोड़ का मतलब है जॉइंट, की रचना असामान्य हो जाती है, यानी कि सामान्य से भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, और जिसका परिणाम स्वरूप जोड़ में गति के विस्तार पर प्रभाव पड़ता है। विकृति किसी एक जोड़ में हो सकती है, जैसे कि घुटने में, कंधे में इत्यादि में। छोटे छोटे कई जोड़ों के समूह में असाधारण रचना बनने से भी विकृति हो सकती है, जैसे कि समतल पांव यानी कि फ्लैट फीट विकृति। यह ज्यादातर पैदाइशी होती है, या किसी घाव, आघात, संक्रामक रोग या लकवा दीर्घकाल से रहा हो, या फिक्स्ड कंस्ट्रक्चर तथा शारीरिक स्थिति की खराब आदतें इनके फलस्वरूप होती हैं। मुख्य रूप से विकृति दो प्रकार की होती है, पहली ऊपरी अंगों की विकृति और दूसरी निचले अंगों की विकृति। ऊपरी अंगों की विकृति मीन्स अपर लिंब डिफॉर्मिटी, और निचले अंगों की विकृति मीन्स लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी। ऊपरी अंगों की विकृति के बारे में बात करें तो ये विकृति केवल ऊपर के अंग में होती हैं, जैसे कोहनी में, कंधे में, अंगुली इत्यादि में। इसमें पहली विकृति है रिस्ट डॉप विकृति, यह कोहनी और कलाई में होती है। इसमें हाथ सामान्य से असामान्य हो जाता है, जैसे कि आप अपने सामान्य हाथ को देख सकते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें यदि कहीं पर भी कोई कमी आ जाए या डिफॉर्मिटी को ही विकृति कहा जाता है, वो हो जाए तो यह रिस्ट ड्रॉप विकृति कहलाएगी। स्वान नेक विकृतियां, इस प्रकार की विकृति में हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, यानी कि ऊपर जो रिस्ट ड्रॉप विकृति थी उसमें तो कोहनी और कलाई में विकृति होती है, लेकिन इसमें उंगलियों में विकृति हो जाती है। रिंगिंग ऑफ स्कैपुला, यह इसमें कंधे की हड्डी रिंग के आकार में हो जाती है, यानी कि इसमें जो कंधे की हड्डी है वो थोड़ी उभर जाती है। रीढ़ में होने वाली विकृति, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी, इस प्रकार की विकृति में स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है। यह तीन प्रकार की विकृति पाई जाती है इसमें, पहली लोर्डोसिस, दूसरी किपोसिस, तीसरी स्केलियोसिस। बात करें लोर्डोसिस की तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड के पिछले वाले भाग में विकृति पाई जाती है, और बात करें काइफोसिस की तो इस प्रकार के विकृति में स्पाइनल कॉर्ड के अग्र भाग में होने वाली विकृति होती है। अग्र भाग मतलब आगे वाले भाग में विकृति होती है, और स्केलियोसिस में स्पाइनल कॉर्ड के बगल में होने वाली असामान्यता के स्केलिस कहते हैं। बात करें निचले अंगों की विकृति, यानी कि लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी, तो इस प्रकार की विकृति में केवल निचले अंगों की विकृति आती है, जैसे कूल्हा, टखना यानी कि एंकल एवं घुटने की विकृति आती है। कूल्हे में होने वाली विकृति, कूल्हे में निम्नलिखित दो प्रकार की विकृति पाई जाती है, इसमें पहली है कोसावेना, इस प्रकार की विकृति में कूल्हा खिसक जाता है जिसमें कोण बढ़ जाता है, और दूसरी है कोक्सा वल्गस, इसमें कूल्हे का कोण घट जाता है। और घुटने में होने वाली विकृति, घुटने में केवल तीन प्रकार की विकृति पाई जाती है, पहली जेन रिकर्वेटम, इस प्रकार की विकृति में घुटना अंदर की तरफ धस जाता है जिस कारण कोण विस्तार में असामान्यता आ जाती है। जेनुवेरम, इस विकृति में दोनों पैरों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, यानी कि यह कौन सी है, बोनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बोनी डिफॉर्मिटी। तीसरी है जेनुवल्गस, यानी कि इस प्रकार की विकृति में चलते समय दोनों घुटने आपस में सटे होते हैं, अर्थात दोनों घुटनों के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसको कहते हैं हम नोकनी। टखने में होने वाली विकृति, यानी कि एंकल डिफॉर्मिटी, इसमें निम्न प्रकार की विकृतियां दिखाई देती हैं, पहली TA टाइटनेस, इसमें चलने का तरीका सामान्य से अलग होता है, इसमें पंजा नीचे हो जाता है एवं हड्डी एडी ऊपर की ओर करके चलता है इंसान।
पैर में होने वाली विकृति। पैरों में निम्न प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं। पहली पेशकेवश या पांव में होने वाली विकृति है। इसमें पैर के तालू में अधिक उभार हो जाता है। इसमें पांव की हड्डी ऊपर की ओर मुड़ जाती है। पेश प्लेनस में इसमें पांव चपटा हो जाता है। और कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवेरस, इस प्रकार की विकृति में पैर घोड़े के खुर जैसा होता है। यह जन्मजात होता है। इसके उपचार के लिए एक माह तक के बच्चे को 15 दिन तक कच्चा प्लास्टर कर दिया जाता है और यह 3 बार तक किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें।